अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल एडमिशन 2024 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एम्स, जो कि उड़ीसा में है और जो कैपिटल है वहाँ की, मतलब भुवनेश्वर। वहाँ भी दोस्तों एम्स है, चार कोर्सेज मिलते हैं आपको पैरामेडिकल की। कौन कौन से कोर्स हैं, क्या उनकी अहम उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उससे बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, नहीं किया तो बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। अगर आपको 2024 में आपको एम्स से बीएससी करना है, मतलब पैरामेडिकल में करना है, आपको नोट्स चाहिए, बेस्ट नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। आप नोट्स को सही से पढ़ लिया, समझ लिया, पेपर में कर भी पाए तो उम्मीद है आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। एम्स से किसी भी कोर्स में एडमिशन जो है आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही अहम है, इसको ज़रूर देख लें पूरा। सारी अहम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से कोर्स मिलते हैं, केवल चार कोर्स दोस्तों यहाँ आपको मिलेंगे बीएससी, जिनमें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कोर्स का नाम, पहला दोस्तों कोर्स है बीएससी एमएलटी, मतलब मेडिकल लैब टेक, 3 साल का दोस्तों ये कोर्स है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कोर्स है ओटीएटी, मतलब ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसियोलॉजी, ये भी 3 साल का दोस्तों कोर्स है। थर्ड दोस्तों कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पर आपका मेडिकल टेक इन रेडियोग्राफी, ये भी 3 साल का कोर्स है। तो चौथा कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पर आपका मेडिकल टेक इन रेडियोथेरेपी। तो ये चार कोर्सेज आपको मिलेंगे एम्स, उड़ीसा, कैपिटल है मतलब भुवनेश्वर। दोस्तों अब यहाँ पर कितनी कितनी सीट्स हैं, सीट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम है। दोस्तों पहले बात करता हूँ आपसे, जो आपका एमएलटी है टोटल सीट्स हैं दोस्तों यहाँ पर 13, इसमें 8 सीट दोस्तों जनरल हैं, 3 सीट दोस्तों आपके लिए हैं ओबीसी दोस्तों, उसके बाद जो है 1 सीट दोस्तों एससी है, तो 1 सीट है आपका ईडब्ल्यूएस, तो ये हो गई आपके 13 सीट्स। बल्कि दोस्तों यहाँ पर आपके, हाँ उसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों, वो कोर्स है आपका ओटीएटी। यहाँ पर जो सीट्स हैं टोटल सीट दोस्तों हैं 13, 5 सीट्स हैं दोस्तों यूआर, 4 सीट्स हैं ओबीसी, 2 सीट्स हैं एससी, 1 सीट एसटी, और दोस्तों उसके बाद आपके लिए यहाँ पर हैं 1 सीट दोस्तों है ईडब्ल्यूएस। उसके बाद थर्ड जो कोर्स है ये आपका है एमटीआर, मतलब मेडिकल टेक इन रेडियोग्राफी, सीट्स हैं टोटल यहाँ पर 13, 5 जनरल हैं, 4 दोस्तों ओबीसी हैं दोस्तों, 2 सीट्स हैं एससी, 1 सीट है एसटी और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस। लास्ट दोस्तों कोर्स है मेडिकल टेक इन रेडियोथेरेपी, यहाँ 2 सीट्स हैं ओनली 7, 3 सीट दोस्तों जनरल हैं, तो 1 सीट है आपके लिए यहाँ पर ओबीसी दोस्तों, 1 सीट है एससी, 1 सीट है एसटी और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस। तो ये हुआ सीट, तो आप देखें कितनी कम सीट्स यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। दोस्तों बात करते हैं कौन कौन दोस्तों इसमें एलिजिबल है, मतलब क्लास 12th में अगर आपने पीसीबी से किया हो, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, 50% मार्क्स जो है आपको चाहिए क्लास 12th के अंदर। अगर आप एससी एसटी हैं तो 45% मार्क्स चाहिए आपको क्लास 12th के अंदर, ताकि आप इसमें एलिजिबल हो पाएँ। तो बात करते हैं पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न यहाँ पर आपको 90 सवाल मिलने वाले हैं दोस्तों। 90 जो क्वेश्चन हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 30 बायोलॉजी। हर सवाल दोस्तों आपका 1 मार्क का होगा, और यहाँ पर जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, मतलब अगर आपने 3 गलत आंसर लगा दिए तो आपका 1 सही मार्क भी कट जाएगा। दोस्तों अब जो अगला आपका पॉइंट है कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 30 नंबर भी आए 90 में से तो आपका चांस बनेगा क्वालिफाई करने का। दोस्तों इसमें कट ऑफ हैं दोस्तों, मिनिमम मार्क्स तो आपको तो स्कोर करने 50%, मतलब 45 मार्क्स तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं तो आपको दोस्तों इतना स्कोर तो करना ही करना है। दोस्तों ओबीसी के लिए 45% है दोस्तों, और अगर आप एससी एसटी हैं तो 40%, मतलब 36 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए ताकि आप लिस्ट में आ सकें। दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एम्स अपने पास रख लेगा, और कोर्स तक पूरा आपका नहीं होगा आपको डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप दोस्तों कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं किसी वजह से, तो आपको एम्स को 5,000 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा एज फाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लें, तो फीस एम्स की बहुत ज़्यादा कम है। इसकी फ़ीस लगभग आपको देना होगी लगभग 1200 रुपये के अराउंड फ़ीस है, ये 4 साल की फ़ीस है। और हॉस्टल भी दोस्तों काफ़ी सस्ता है, बस 2 जगह आपको हॉस्टल नहीं मिलता, उसके बाद की वीडियो आएंगी वहाँ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता दोस्तों हॉस्टल है। और उसके अलावा मैंने बताया आपको फ़ीस लगभग यहाँ पर आपको पड़ेगी
लाइब्रेरी चार्ज मिला के लगभग 1200 रुपये, ये 4 साल की दोस्तों फीस है दोस्तों। उसके बाद अगला जो जो आपका जो पॉइंट है, इसका जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, तो इसका एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ आपको दिल्ली और NCR में ही मिलेगा, कहीं बाहर आपको सेंटर इसका नहीं मिलने वाला है, जो भी आपका पैरामेडिकल कोर्स है दोस्तों। उसका सिलेबस के बारे में बात कर लें तो सिलेबस जो है वो क्लास 12 का जो भी आपका कोर्स है वहाँ से आपको पेपर में सवाल मिलने वाले हैं दोस्तों। इसका जो फॉर्म आएंगे वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, अभी चल रही है जनवरी, तो फरवरी में इसके फॉर्म आ जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो जून में हो जाएगा और जून में ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा दोस्तों। इसमें एक पॉइंट और, अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है, मतलब कहीं और ले लिया और आपने क्वालिफाई भी कर लिया है और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन एम्स रोके, तो या तो आपको अपने जो आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो आपको सबमिट करना पड़ेंगे, या आपको 1 लाख रुपये का DD पे करना होगा। 5 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, अगर आप 5 दिन के अंदर अपना एडमिशन वगैरह पूरा कर लेते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी और फिर आपको जो आपका DD है वो आपको वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें जो कोर्सेज हैं इसमें कोई भी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। स्टाइपेंड वाले कोर्सेज जो हैं वो न्यू दिल्ली में के एम्स में, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, वहाँ जाके आप इसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक बात और है कि पेपर का जो टाइम है वो होगा ओनली 1.5 घंटा, तो 1 आवर 30 मिनट, 90 मिनट में आपको 90 सवाल करना पड़ेंगे, जिसमें 30 जो सवाल हैं वो आपके होंगे फिजिक्स और 30 होंगे केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 40 या 40 प्लस जो है वो आपको न्यूमेरिकली मिलने वाला है, तो पेपर इतना आसान क्वालिफाई करना आपके लिए नहीं होने वाला है दोस्तों। ये था आपके लिए एम्स उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर में कौन कौन से कोर्सेज हैं उसकी जो डिटेल थी मैंने बता दी आपको। आई होप मैंने आपको हेल्प किया, अगर आपको हेल्प किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।